आज हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितना भी हम लोग कुछ सीखे हैं सारा का एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि इफ ए बी पॉइंट करके 5 = 5/11 और ए बी आर सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स, देन फाइंड ए प्लस बी। तो इस चीज का जो इसको पहले हमको पी वाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो हमने प्रोसीड्योर देखा था, ए बी को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए बी बाई 99, ठीक है। तो और ये इक्वल्स टू दिया गया है 5/11, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 टाइम्स में जाएगा तो कि आपका ए बी 45 हो जा रहा है। तो आप ये देख, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि यहाँ पे ये ए बी प्रोडक्ट नहीं है, ए टेंस डिजिट पे है और बी यूनिट डिजिट पे है। तो यहाँ पे आपका, आप ए बी को 45 देखिएगा, तो यहाँ से आप ए को इन्फर कीजिएगा कि ए आपका 4 हो रहा है और बी आपका 5 हो रहा है। तो इन टूगेदर ए प्लस बी आपका हो जाएगा 4 + 5, दैट इज 9। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि ए बी ऐसा ही है, ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय एन इज एन इंटीजर, ए और बी सिंगल डिजिट वैल्यू मतलब नेचुरल नंबर दिया गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट वैल्यू एन कैन टेक। तो ठीक है, तो आप इसको पहले ऐसे फॉर्म में लिखिए, इसको आप क्या बना सकते हैं कि ए बी बाई 99 और यहाँ पे बोला है इंटू एन और ये एज टुगेदर ये एक इंटीजर बन रहा है। तो आपको सोचना चाहिए कि ये क्या करने से क्या वैल्यू ऑफ एन से ये इंटीजर बनेगा। सपोज करिए आप एन 99 लेंगे, ठीक है। तो आप एन अगर 99 लेंगे तो 99 कट जाएगा तो ये इंटीजर बन जाएगा ये भी, ठीक है। फिर उसी तरह आप 99 इंटू 2 करेंगे तब भी ये इंटीजर बनते जाएगा, 99 इंटू 3 भी करेंगे तो ये इंटीजर बनते जाएगा। तो इसी तरह वैल्यूज में ये इंटीजर बनेगा। अब आपको ये सोचना है कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट वैल्यू क्या होगा। आप सोचेंगे जल्दी से कि n 999 होगा, पर अगर आप देखेंगे 999 को अगर आप 99 से डिवाइड करेंगे तो ये इंटीजर नहीं बनेगा, ये कुछ डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे 990 लेना होगा 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू, क्योंकि 990 बाई 99 करेंगे तो 10 होगा। तो ये जो भी होगा तो ए बी मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, तो ये एक इंटीजर बनेगा। तो आपका आंसर होना चाहिए 990, greatest 3 digit value। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि in how many ways 60 can be written as a product of two co-prime numbers। तो co-prime का आपको definition पता ही है, तो आप देखते हैं कैसे इसे solve करना है। तो 60, तो 60 को आप कैसे ले सकते हैं, 1 × 60, ठीक है, ये एक तरीका है। 2 × 30, ये भी एक तरीका है, 2 × 30, फिर 3 × 20, ये एक और तरीका है, फिर और आ रहा है 5 × 12, ठीक है, 4 × 15 भी एक तो होता है और 6 × 10, ठीक है। तो ये वह पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 60 का कोप्राइम में। अब देखना है कि कैसे हो रहा है। तो आप देखेंगे कि 1 और 60 में सब डिस्टिंक्ट होगा, क्योंकि 1 का बस एक ही फैक्टर होगा और 60 का जो फैक्टर होगा अलग होगा, ठीक है। पर 2 और 30 में क्या हो जा रहा है, 2 का फैक्टर्स में क्या हो रहा है, 2 में 1, 2 आ जा रहा है और 30 में स्टार्टिंग ही हो जा रहा है 1, 2, 3, तो ये कॉमन हो जा रहा है, तो ये इग्नोर हो जा रहा है, ठीक है। अब 20 में देखते हैं क्या हो रहा है, 3 में होता है 1, 3, 20 में देखेंगे 1, 2, 4, 3 नहीं आ रहा तो ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। 5 और 12 भी सही होगा क्योंकि 1, 5, 12 में आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और फिर 6, फिर 12 हो जाएगा, तो ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। 4 और 15 में देखते हैं, ये भी एक्सेप्टेड हो जाएगा 1, 2, 4 और 15 का आप बोल सकते हैं 1, 3, 5, 15 और 6 और 10 ये नहीं एक्सेप्टेड होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 1, 2, 3, 6, यहाँ पे क्या हो रहा है 1, 2, 5 और 10, तो आप देख रहे 2 कॉमन हो जा रहा है तो ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 हो रहा है 160, 320, 5 × 12 मतलब 5, 12 और 4, 15 का पेयर्स, ये आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि इफ पी इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 देन व्हाट वुड बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 6। तो इसका हम लोग देखे थे जनरल फॉर्म क्या था, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 का ये फॉर्म था और एक तो ये फॉर्म था, ठीक है। तो अब इसको देखना है कि 6 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली देख सकते हैं 6n/6, ये आपको 6 का मल्टीपल है तो इसका रिमाइंडर 0 देगा और बेसिकली ये पार्ट आपको, ये जो 1/6 पार्ट है ये आपको रिमाइंडर देगा, ठीक है। तो 1/6 को 6 से मॉडुलस करेंगे या डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 1 देगा, ये सिंपल है, ठीक है। ये एक आंसर हुआ, तो सिमिलरली ये भी आपको रिमाइंडर 0 देगा और -1/6 ये देखते हैं आपको रिमाइंडर क्या देगा, ये इसका आंसर होगा 5। अब देखते हैं 5 कैसे देगा।
चलिए 6 को ये सब नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसको जब 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। 1 को डिवाइड करें तो 1 बचेगा, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड, मतलब ऐसे होते जाएगा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ करेंगे तो 0 हो जा रहा है। तो देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो अगर आप समझ लीजिए इसको प्लस डिरेक्शन समझ रहे हैं और इधर से आप माइनस डिरेक्शन समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर आप कोई आपको बोलेगा कि 2/6 करने का, 2/6 का 2 उसको 6 से रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, तो आप 2 बोलोगे तो आप ऐसी डिरेक्शन में जाओगे, ठीक है, फाइनल यहाँ पे। वही अगर आपको कोई बोलेगा कि आपको आप नेगेटिव में निकालने से आपको बोला यहाँ पे नेगेटिव 1 बोला, समझ लीजिए कोई आपको बोलेगा नेगेटिव 2, तो नेगेटिव में डिरेक्शन के लिए आप इधर से जाएंगे तो ये होगा, यहाँ से आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 1 होगा तो ये नेगेटिव 1 हुआ, ये नेगेटिव 2, ये नेगेटिव 3, ऐसे आपका जाते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका नेगेटिव में आंसर देगा। तो ये बेसिकली अगर आपको कोई नेगेटिव 1 बोलेगा तो आप 5 को एक्सेस करेंगे, ठीक है। पीछे से आप सोचिए, पीछे से आपको जाना है, वही नेगेटिव 2 बोला था तो 4 होगा आंसर। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन का आंसर 1 और 5 होगा दोनों, ठीक है।